हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कॉमन टॉपिक। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर पे होंगे और बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, क्योंकि अभी सब अपने घर पे ही है तो सेफ रहिए। घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बाहर ज़्यादा ना निकलिए। और आज का मेरा ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, आप लोग देख सकते हो। मैंने डार्क ब्राउन कलर का मेकअप लुक क्रिएट किया है, बट ये कैमरे में ब्राउन कैच नहीं कर रहा है, पिंक दिख रहा है, पर ये डार्क ब्राउन कलर मैंने क्रिएट किया था। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से अचीव किया है आज का ये मेकअप अपना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। लेट्स स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है और मैं मॉइस्चराइजर के बाद आऊँगी। पहले मैं लेजूम का टोनर लगा रही हूँ, बहुत अच्छे से आप उसको लगा लीजिए टैप टैप करके। निविया का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ा सा ही लूँगी। हुडा का प्राइमर ले रही हूँ। ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। फाउंडेशन ले रही हूँ मैं, फाउंडेशन है स्टे इन प्लेस मेकअप ब्यूटी रोमांटिक का फाउंडेशन है। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन लगता है मुझे, इसका कवरेज बहुत अच्छा है। टैप टैप करके आप लगा लीजिए इसे, जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। मैं अपने हाथों से ब्लेंड करूंगी। कंसीलर में कोई यूज नहीं कर रही हूँ, इसी को मैं अपनी आईज पे भी लगाऊंगी। फाउंडेशन मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, मैं लिप बाम लगा रही हूँ। चेहरे को मॉइस्चराइजर के साथ साथ आपको लिप्स को भी मॉइस्चराइजर करना बहुत जरूरी होता है, तो मैंने लिप्स को मॉइस्चराइजर कर लिया है। और अब मैं अपनी आईब्रोज को सेट करूंगी एरियल्स की पेंसिल से। ये पेंसिल बहुत अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैं ज़्यादातर इसी को अपने वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ, आप लोग ने देखा होगा। अब मैंने आईज़ का मेकअप करूँगी, कंसीलर की जगह मैंने फाउंडेशन ही अप्लाई किया अपने आईज़ पे। आज मैं किसी भी कंसीलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आईज़ का मेकअप मैं लिपस्टिक से ही करूँगी, इस कलर से, जिस कलर का मैंने ड्रेस पहना हुआ है। और मैंने लिपस्टिक से कई वीडियो बनाए हुए हैं कि आप लिपस्टिक को किस तरह से यूज़ में ले सकते हो। देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप अपनी फिंगर की हेल्प से या किसी भी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आप इसे लगा सकते हो, तो मैं इस ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। देख सकते हो मैंने इस तरह से ब्लेंड किया है, इसी तरह से मैं अपनी सेकेंड आईज में भी कर लूंगी। तो मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने लिपस्टिक को अच्छे से स्मज कर लिया, आप देख सकते हो ब्लेंडिंग अच्छे से की है मैंने। और अब मैं हाइलाइटर लेकर अपने फिंगर से लूंगी और पिंकिश कलर को मैं अपने आईब्रोज को हाईलाइट करूंगी, फिंगर की हेल्प से ही करूंगी।
आप लोग देख सकते हो मैं किस तरह से हाईलाइट कर रही हूँ अपने आईब्रोज के नीचे वाले एरिया को, ताकि आईज का मेकअप थोड़ा अच्छा हाईलाइट हो। अगेन मैं ब्रश से अपने आई कॉर्नर को अच्छे से सेट कर लूँगी। ये स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इनर कॉर्नर में भी हाईलाइट करूँगी ब्राउन कलर से। आपको ब्राउन से करना है ब्राउन से कर लीजिए, सिल्वर से करना है सिल्वर से कर लीजिए। मेरी ड्रेस में ब्राउन कलर है तो इसी से मैं कर रही हूँ। अपने नीचे लोअर लैशेस में भी मैं ब्राउन कलर से हाईलाइट करूँगी। बहुत अच्छा लुक आता है जब आप इस तरह से करते हो। बहुत अच्छे से कीजिए आप दोनों आईज। आप लोग को दिख रहा होगा मेरी ड्रेस में गोल्डन कलर का वर्क है, तो मैं गोल्डन कलर के आईलाइनर को यूज करूंगी, आईलिड एरिया पे कवर करूंगी, सॉरी हाफ आईज के एरिया पे कवर कर रही हूँ मैं इससे गोल्डन से इनर साइड को। देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने किया है हाफ आईज पे, बहुत अच्छा दिखता है ये लुक फ्रेंड्स। आपके पास कोई भी गोल्डन आईलाइनर हो तो आप उसे इस तरह से यूज भी कर सकते हो। कलर डीवा का आईलाइनर है ये, ताकि मेरी आईज पे हल्की हल्की सी शाइन आ जाए, देख रहा होगा आपको पास से, आप देख सकते हो। आपको डार्क करना आप डार्क भी कर सकते हो, मैं थोड़ा डार्क करूँगी। देख सकते हो आप, मैं ब्लू हेवन का लाइनर लगाया हुआ है मैंने अभी। लाइनर मैंने थोड़ा थिक लगाया है, देख रहे होंगे आप लोग। मैंने ऑफ कैमरा एरियाज की पेंसिल को ही एज अ काजल यूज किया है। मैंने ऑफ कैमरा से लिखा क्योंकि सॉरी मैंने मेरा आईना गिर गया है। मैंने ऑफ कैमरा काजल इसलिए लगाया क्योंकि मुझे काजल लगाते वक्त बहुत ज़्यादा आंखों से पानी आता है, इस वजह से मैंने ऑफ कैमरा लगाया है। वैसे हल्का सा कवर कर रही थी, मेरा लाइनर लग गया था थोड़ा सा ऊपर, आप पास से देख सकते हो मैंने किस तरह से लाइनर लगाया है। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ, मस्कारा मैं इनसाइड का लगा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक आपकी आईज पे टिकता है। और ये वाटर प्रूफ है फ्रेंड, आपने देखा होगा मैं ज़्यादा फॉल्स का यूज नहीं करती हूँ, फॉल्स मुझे सूट नहीं करता है, इस वजह से मैं फॉल्स को अपने मेकअप पे ज़्यादा इंक्लूड नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा उस चीज़ को, माइंड मत कीजिएगा। तो मैं लैकमे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ।
गर्मियों का टाइम है तो कॉम्पैक्ट पाउडर आप जरूर लगाइए। देख सकते हो आप लोग मैंने लगा लिया है। अब मैं हाइलाइटर का यूज करूंगी और मैं फिक्स ब्यूटी के हाइलाइटर का यूज कर रही हूँ। पेन हाइलाइटर मैं फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी और डार्क पिंक कलर लगा रही हूँ मैं। सॉरी, मैं पिंक कलर का यूज नहीं, डार्क कॉपर कलर का यूज करूंगी क्योंकि मेरे ड्रेस पे है। आपको जहाँ जहाँ अपने हाईलाइट एरिया है आपके वहाँ लगा लीजिए। मैं ब्लश अभी लगाऊंगी, पहले हाईलाइट लगा रही हूँ मैं, ब्लश इसके बाद लगाऊंगी मैं। अच्छे से स्मश कीजिए, अच्छे से फैला लीजिए आप अपने हाइलाइटर को। जहाँ भी आपको हाईलाइट एरियाज आपको होते हैं, हाईलाइट की जरूरत होती है, वहाँ आप इसे अप्लाई कर लीजिए। अब मैं लिपस्टिक को ही एज अ ब्लश यूज कर रही हूँ जिससे मैंने आई शेडो का किया है। देख सकते हैं आप लोग, और फिंगर की हाथ से इसे मैं ब्लेंड कर लूंगी। लिपस्टिक ब्लश का वर्क बहुत अच्छे से करती है फ्रेंड्स, इसलिए मैं ज्यादातर लिपस्टिक का यूज करती हूँ। देखिए कंटूर नहीं कर रही हूँ मैं अपने फ्रेंड्स फेस को क्योंकि मुझे कंटूरिंग करना ज्यादा पसंद नहीं है। और अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, रोज कैट की लिपस्टिक का यूज कर रही हूँ। अगेन मैं सेम कलर का यूज कर रही हूँ। बहुत क्रीमी लिपस्टिक है और बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है इस लिपस्टिक का फ्रेंड, जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। आप लोग देख रहे होंगे अभी मेरा ये इतना मेकअप कंप्लीट हुआ है। मैं हुडा का मेकअप एक का यूज कर रही हूँ, इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनता है। आप देख सकते हो ये मेरा लुक है कंप्लीट। और मैंने ये इयररिंग पहन लिया है, पहले मैंने गोल्डन इयररिंग निकाला था बट मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये पहना है। तो ये है मेरा फाइनल लुक, देख सकते हो आप लोग। हाथ से भी आप लोग देख सकते हो, और मेरा ये ड्रेस आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज का ये मेकअप लुक मेरा पसंद आया होगा। मैंने डार्क ब्राउन कलर का मेकअप क्रिएट किया है, पता नहीं वीडियो में ये ब्राउन क्यों नहीं दिख रहा, बट मैंने डार्क ब्राउन कलर का मेकअप किया है। और देख सकते हो आप लोग मुझे पास से, लाइक शेयर मत करना भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए मेरा मेकअप आपको कैसा लग रहा है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। जो लोग नए हैं वो वीडियो देखते हैं, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में बेल आइकन का बटन है तो उसे भी क्लिक करना ना भूलिए जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय करेंगे और नए नए वीडियो लाने की पूरा कोशिश रहता है मेरा। मिलूंगी मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए बाय।